हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आए। किसी करंट अफेयर के सभी जो भी आपके आज जिस टेम जो भी आपके जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम हुए, एलएवी के एग्ज़ाम हुए, उन सभी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब ठीक है ये सभी। तो आज की क्लास में अंत तक बने रहना। आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेथेनॉल होता है, ठीक है, इसका रासायनिक फॉर्मूला की बात करें तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, CH3OH होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला। और ये आपका मतलब इंडिया और US ने मिल के बनाया है। किसने, इंडिया प्लस US का ये सेमिनार हुआ, जो सेमिनार आपका हुआ था ये किसका, इंडिया और US का सेमिनार हुआ था। और देखो आपके NTPC के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो हम बता देते हैं कि जो लकड़ी की आत्मा, क्या पूछा गया था, लकड़ी की आत्मा एक क्वेश्चन आया था आपका एग्ज़ाम में, लकड़ी की आत्मा ये आपके एग्ज़ाम में आया था, NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये कहा जाता है मेथेनॉल को, किसको, मेथेनॉल को कहा जाता है, ठीक है। मेथेनॉल का हमने आसानी फॉर्मूला बताया CH3OH होता है, ठीक है। और अगर बात करें, एक आपका पूछा गया था जो रॉकेट के ईंधन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, जो रॉकेट का ईंधन है इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, इसमें आपका मेथेनॉल का भी उपयोग किया जाता है। किसका, मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मेया हो चोगाबा 2024 नामक उत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो जो ये आपके कहाँ पे, इम्फाल में किया गया था, इम्फाल में आपका ये किया गया था, जो कि इम्फाल कहाँ पे स्थित है, इम्फाल आपका मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाए, ठीक है। इससे संबंधित ये से और भी आपके जो उत्सव हैं, महोत्सव हैं, ठीक है, जैसे संगाई महोत्सव या उत्सव हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो कि याओसांग, क्या है, याओसांग भी आपका यहीं का है, मणिपुर का है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं NSG के जो महानिदेशक कौन है, NSG है, इसके महानिदेशक की बात की जाए तो इसके जो महानिदेशक है वो कौन है, महानिदेशक तो उनका नाम है B.C. श्रीनिवासन, क्या है, महानिदेशक का नाम B.C. श्रीनिवासन है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए B.C. श्रीनिवासन, ये इनका जो महानिदेशक है, ठीक है, किसका, NCG का। अगर हम बात करें जो NCG क्या है, तो ये 1984 में आपका एक ऑपरेशन चलाया गया था, 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ब्लू स्टार, ठीक है, ये एक आपका ऑपरेशन चलाया गया था। और उसके बाद यानी इस ऑपरेशन के बाद जो NSG का निर्माण हुआ था, किसका, NSG का निर्माण हुआ था, ठीक है। और जो आपका ये ब्लू स्टार है, ये आपको कहाँ पे चला गया था, तो ये आपका ब्लू स्टार है ना, ये आपका चला गया था सवर्ण मंदिर में, कहाँ पे, सवर्ण मंदिर में चलाया गया था, जो कि आपका अमृतसर में स्थित है, सभी को पता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो आपका ये मतलब आदर्श वाक्य क्या है, जो आपका NSG है इसका आदर्श वाक्य क्या होता है, इसका आदर्श वाक्य होता है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा, क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एंड हर जगह स्वच्छता हर जगह, ठीक है। थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, अच्छी तरह से। आप अगर वीडियो का अगर आप लिखना चाहो तो आप वीडियो को फ्यूज करके लिख सकते हो। और इसे जैसे कि इसमें एक और नारा दिया कहता है कि इसे GEO Air Force भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, GEO Air Force, ठीक है, GEO Air Force के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2024 में कौन सा वालोंग दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो 2024 में 62वें वालोंग दिवस का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। जो 1962 में जो वालोंग दिवस है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 1962 में चाइना, किसका, चाइना और आपका किसका युद्ध हुआ था, चाइना एंड इंडिया का युद्ध हुआ था, VS इंडिया का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसमें है ना जो आपके क्या है, पूर्वी जो पूर्वी मोर्चा था हमारे भारत का, क्या था, पूर्वी मोर्चा था, वहाँ पे जैसे कि पूर्वी मोर्चे में कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के एक मतलब बालोंग नामक जगह है, क्या है, बालोंग नामक जगह है, वहाँ पे हमारे जो जवान हैं
जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया था और हमारे वहाँ पर जवान बहुत सारे जवान शहीद भी हुए थे, इसलिए ही जो ये आपका वालोंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये दिवस आपका कितने एक महीने तक चलता है, एक माह तक ये दिवस चलता है। कब से कब तक चलता है? 17 अक्टूबर से लेकर ये आपका 14 नवंबर तक चलता है। कब से? 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलता है। ठीक है, ये आप बात ये बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सलाह पर सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति को स्थापित किया गया? ठीक है, जो न्याय की देवी है उसकी नई मूर्ति को किसके कहने पे, यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें स्थापित किया गया है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका हो जाएगा डीवी चंद्रचूड के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले, एक्स्ट्रा पॉइंट ले, तो एक आपका होता है जो कि आँख जो आपके कानून की देवी है, क्या है? कानून की देवी है, न्याय की देवी, न्याय या कानून की देवी है, उसकी जो आँखें होती हैं उन पर पत्ती बंधी हुई होती थी। क्या होती थी? पत्ती बंधी हुई होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कानून के समक्ष निष्पक्ष समानता था, यानी इसका जो मतलब होता था वो होता था कानून के समक्ष निष्पक्षता एंड समानता था। ठीक है, अब अगर बात की जाए आगे, तो जो अब है ना फिलहाल में जो नई मूर्ति स्थापित की गई है, इसमें जो पत्ती है आँखों की वो हटा दी गई है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है जो आपकी पत्ती है, जो न्याय की देवी है, उसकी पत्ती क्यों हटाई गई आँखों की? तो ये हटाई गई जागरूकता, सचेत और सहानुभूतिपूर्ण, यानी जागरूकता के लिए, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, जागरूकता के लिए और सचेत के लिए। तो एक आपका है सहानुभूति, क्या है? सहानुभूति के लिए ये जो हटा दिया गया है। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण के लिए, तो यहाँ तक के लिए चलो आगे चलते हैं। तो देखो, पहली मूर्ति पे जो आपकी न्याय की देवी की मूर्ति थी उसमें तलवार भी होती थी। क्या होती थी? होती थी तलवार। ठीक है, वो तलवार का मतलब था शक्ति, धन, दंड का प्रतीक, शक्ति में दंड का प्रतीक तलवार का मतलब था। ठीक है, लेकिन वो तलवार भी हटा दी गई और उसकी जगह जो हमारी संविधान की पुस्तक है वो हाथ में दे दी गई है। संविधान की जो पुस्तक है वो हाथ में दे दी गई है। तो संविधान का पुस्तक का मतलब क्या होता है? संविधान के सिद्धांत के अनुरूप होंगे, मतलब जो भी उसमें काले होंगे यानी दंड दिया जाएगा। ठीक है, वो आपके जो संविधान है उसके सिद्धांत के अनुसार दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस मनाया जाता है? अभिदम दिवस बताएंगे। तो अगर हम बात करें अभिदम दिवस की बात करें, तो जो आपका अभिदम दिवस है ये इसका मतलब होता है बौद्ध धर्म का एक दार्शनिक सिद्धांत है। ये बौद्ध धर्म का क्या है? एक दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है, ये याद रखनी है आपको। चलो, इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 अक्टूबर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होगा जो हमारी कौन है, मतलब इसका आंसर मतलब क्या होगा, जैसे कि हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं 3 देशों में, मतलब 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक ये अपने 3 देशों में देशों की यात्रा पे हैं। तो पहले नंबर पे कौन सा देश आता है? पहले नंबर पे ये अल्जीरिया देश आता है, दूसरे नंबर पे आपका माइटोनिया देश आता है, और तीसरे नंबर पे ये आता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसमें फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है, किसने जीता है? ये एमपी की रहने वाली कौन है? तो ये निकिता पोरवाल ने जीता है, और ये कहाँ की रहने वाली? एमपी उज्जैन, एमपी में उज्जैन से हैं। ठीक है, कहाँ से? उज्जैन से। और जो आपका ये प्रतियोगिता हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ पे जो ये प्रतियोगिता है ये आपकी मुंबई में हुई थी, और मुंबई में कहाँ पे हुई थी? बरेली में। कहाँ पे? बरेली में हुई थी। ठीक है, बरेली में, याद रखने आपको यहाँ तक। आगे चलते हम लोग, अखिल सयान ने एक नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित ISS विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने है ना, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। इन्होंने 50 मीटर, ठीक है, क्या है? 50 मीटर राइफल। क्या है? राइफल की 3 पोजीशन की, क्या क्या 3 पोजीशन के लिए कांस्य पदक जीता है? 3 पोजीशन के लिए कांस्य पदक जीता है, याद रखना, ऑप्शन सी होगा इसका। आगे चलते हैं,
हाल ही में किसे हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनको नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए तो ये 5 अक्टूबर को चुनाव आयोजित किए गए थे, 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। और बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी और हरियाणा में टोटल सीटें 90 हैं। कितनी? 90 सीटें हैं, ठीक है। और ये हमारे कौन है? नायब सिंह सैनी दूसरी बार जो आपके क्या बने, ये दूसरी बार आपके मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? निम्न में से किसे भारत के आंतरिक सुरक्षा विभाग में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बताओ इसका आंसर देंगे सभी लोग, क्या होगा आपका? सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना लाइव में, ठीक है। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है आपका, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रवीण वरिष्ठ। क्या हो जाएगा? प्रवीण वरिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन आपको करवा देंगे, नहीं तो हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवा देंगे। बाकी आप थोड़ा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही कम चांस की आपके एग्जाम में पूछा जाए। काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो 11 नंबर का क्वेश्चन था वो आपका थोड़ा कम चांस है कि एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन ये 12 नंबर का आपका पूछा जा सकता है। तो आपको जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसके में जो एक सिंग वाले गेंदे भी पाए जाते हैं, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में है, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी। आज का अगला क्वेश्चन है, कास्ट है बीज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसका नाम बदल के हाल ही में कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है? तो ये आपका लद्दाख में, कहाँ पे? लद्दाख में। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 51। अभी इनको नियुक्त किया नहीं गया, लेकिन इनका मैंने पक्का है कि इन्हीं को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। तो अगर आपका हमारी जो वीडियो है अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले शेयर करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली क्लासेज के लिए, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जो हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब करना है आप सभी लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते मुस्कुराते हैं।